हेलो दोस्तों, मैं शाहिद आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो TMS में। इस वीडियो में हम लोग CTET दिसंबर 2019 पेपर 1 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को सॉल्व किया था, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। व्हेन यू आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 रोट इट एज 404 मीन्स 404। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस? क्वेश्चन है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन 1 है, करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, उनकी कॉपियों में उत्तर सही लिखेंगे। ऑप्शन 2 है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम आर, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन है, टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, टू ब्रेक द मोनोटोमी ऑफ नंबर्स, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ए एंड बी, मतलब टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग और टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ़ द फ्लोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005? NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं हैं? ऑप्शन है, टेसलेशन, चॉपर टाइलिंग, साइमेट्री, सममिति, पैटर्न्स, प्रतिरूप, रेशियो, अनुपात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, रेशियो। रेशियो NCF 2005 में प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम का पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड बाय द टीचर to show that two rectangles of different dimensions can have the same area without using formula. Formula ka use kiye bina adhyapak yani teacher inme se kin sadhano resources ya TLM ka istemal yah dikhane ke liye kar sakta hai ke vibhin ayamo yani different dimensions wale दो आयतों यानी दो रेक्टेंगल्स का क्षेत्रफल एरिया समान हो सकता है। ऑप्शन है, ए स्केल पैमाना, बी ग्राफ पेपर, सी थ्रेड धागा और डी टाइल्स। इसका सही आंसर होगा बी और डी, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स,
निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? इसके ऑप्शंस हैं, वन जेंडर लिंग, टू सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स गणित का स्वरूप, इननेट एबिलिटी ऑफ पर्सन व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन टू, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन हैं, वन यूजिंग एलसीएम मेथड, लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, ऑप्शन टू यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन थ्री यूजिंग डाइनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ऑप्शन फोर यूजिंग नंबर चार्ट संख्या चार्ट का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे से ये फ़र्क बताया जा सकता है कि 1/4 1/3 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग लेसन प्लान विल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट? ऑप्शन वन फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, क्योंकि हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अति महत्वपूर्ण पहलू बताना था। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसाइडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन वन है, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन टू है, द टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट्स मे कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? ऑप्शन है, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। ऑप्शन टू, मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ्स, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन थ्री, मैथमेटिक्स इज़ इंटायरली ऑब्जेक्टिव,
गणित पूर्णतया विषय परक है। ऑप्शन फोर, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन वन, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल, बोतल की ऊपरी दृश्य को। ऑप्शन टू, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। ऑप्शन थ्री, नोटिंग द टाइम ऑफ मूनराइज, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन फोर, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आगे के वीडियोज़ में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।